कोरोना वायरस के मद्देनजर सोमवार को नागपुर का हॉटस्पॉट बने सतरंजीपुरा से 800 लोगों को स्टार बस में बिठाकर क्वारंटाइन के लिए ले जाया गया। इन सभी को कहां ले जाया जा रहा है, फिलहाल इसकी जानकारी प्रशासन ने नहीं दी है। कोरोना वायरस के मद्देनजर सोमवार को नागपुर का हॉटस्पॉट बने सतरंजीपुरा से 800 लोगों को स्टार बस में बिठाकर क्वारंटाइन के लिए ले जाया गया। इन्हें ले जाने के बाद फिर से परिसर में औषधि का छिड़काव किया गया। पुलिस 24 घंटे यहां तैनात है और यह परिसर मनपा कर्मचारी मेडिकल कर्मचारियों की रडार पर है। समय समय पर इस परिसर का सही तरीके से निरीक्षण किया जा रहा है। दिन ब दिन शहर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ रही है। इसी कड़ी में सतरंजीपुरा एक शहर का हॉटस्पॉट बना हुआ है, जहां कुछ दिन पहले एक पेशेंट पाया गया था, उसके बाद 50 से भी अधिक पेशेंट जो है सतरंजीपुरा जोन से पाए गए हैं। और उसी कड़ी में और भी कुछ सतरंजीपुरा, आप देख सकते हो कि सतरंजीपुरा जोन में कई लोगों को क्वारंटाइन किया जा रहा है। उन्हें जोन के डीसीपी, आप देख सकते हो कि जोन के डीसीपी भी वहाँ पे मौजूद है। वहाँ के लोगों को जो संशयित है उन्हें क्वारंटाइन करने के लिए, उनके फैमिली को, आप देख सकते हो कि यहाँ पे कई स्टार बस लगी है। स्टार बस में बिठा के ठीक तरह से सैनिटाइज करके उनको वहाँ से क्वारंटाइन करने लेके जा रहा है। शहर के अलग अलग क्वारंटाइन सेंटर बने हैं। आप देख सकते हो छोटे बच्चे भी यहाँ पे मौजूद है, घर की महिलाएं भी अपने पूरे सामान ले के क्वारंटाइन होने वो प्रशासन को सपोर्ट करते हुए जा रहे हैं। इसमें कुछ बुजुर्ग भी है, कुछ महिलाएं भी यहाँ पे बड़ी पैमाने में देखने को आपको दिख रही हैं। और मेडिकल की टीम यहाँ पे मौजूद है, उन्हें एक पूरी सुरक्षितता से लेके जा रहा है, आप देख सकते हो। इसी तरह दिन भर ये सिलसिला आज चलता रहा। कैमरा पर्सन सुभाष भुटले के साथ इमरान शेख, BCN न्यूज़ नागपुर।